प्यारे दोस्तों, आज आपको दुर्बा पुस्तक में छठा पाठ लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है झरना। आज आपको इस वीडियो में शब्दों का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं पाठ झरना। पहला शब्द ऐनक। ऐनक का प्रोनाउंसिएशन होगा ए न क, ऐनक। दूसरा शब्द थैला। था पर ए की मात्रा थै, ला पर आ की मात्रा ला, थैला। तीसरा झरना, झ र ना पर आ की मात्रा ना, झरना। अगला फल, फ ल फल। सीढ़ी का प्रोनाउंसिएशन सा पर बड़ी ई की मात्रा सी, ढा, ढा पर बड़ी ई की मात्रा ढी, सीढ़ी। ढोलक, ढा पर ओ की मात्रा ढो, ल क ढोलक। आइए क्वेश्चन नंबर दो पर, पहचानो और बोलो। शब्द दिए गए हैं थैला। था पर ए की मात्रा थै, ला पर आ की मात्रा ला, थैला। फ ल फल। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप अन्य शब्दों का भी प्रोनाउंसिएशन आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, सुनो और बोलो। जैसे पहला शब्द फल, फ ल फल। फूल, फा पर बड़े ऊ की मात्रा फू ल फूल। फिर, फा पर छोटी ई की मात्रा फि र फिर। ढांक, ढा पर आ की मात्रा ढ क ढांक। इस तरीके से आप अन्य शब्दों का भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। बार बार बोलो। जैसे डाल, ढाल। डा पर आ की मात्रा ढ ल डाल। ढाल, ढा पर आ की मात्रा ढ ल ढाल। बला और भला है बला। ब ला पर आ की मात्रा ला बला भला। भ ला पर आ की मात्रा ला भला। इस तरीके से आप अन्य शब्दों का भी अभ्यास कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, नीचे दिए गए वर्णों को लिखने का अभ्यास कीजिए। प्यारे बच्चों, इसके लिए आप पेन और पेंसिल की मदद से अपनी नोटबुक में इन लेटर्स को लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, चित्रों के नाम लिखना है। ऐनक, ए न क ऐनक। थैला, था पर ए की मात्रा थै, ला पर आ की मात्रा ला, थैला। फल है थ ल फल। चौथा नंबर ढोलक, ढा पर ओ की मात्रा ढो ल क ढोलक। अगला झरना, झ र ना पर आ की मात्रा ना, झरना। और लास्ट सीढ़ी, सा पर बड़ी ई की मात्रा सी, ढा पर बड़ी ई की मात्रा ढी, सीढ़ी। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। एनसीईआरटी की सभी विषयों का पॉडकास्ट पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।